गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में भी हमने इसके पहले 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं कल, आज हम इसका 6ठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर है साइंस का फ्रॉम क्लास 7। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ ए कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। कहते हैं जो हम दही बनाते हैं वो कैसे केमिकल चेंज है। We can say that setting of a curd is a chemical change because we cannot get the original substance, that is milk back, and a new substance is formed with different taste, smell and other chemical properties. कहते हैं कि जो chemical change मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें एक नया substance बनता है, but वो original पहले वाले substance में वापस convert नहीं होता। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते, इसलिए ये chemical चेंज है। और यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता है, वो है कर्ड, जिसकी अपनी अलग स्मेल होती है और अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेवन है, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ फूड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज इन बर्निंग न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड। कहते हैं कि जो बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड, क्योंकि बर्निंग ऑफ वुड क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। बिकॉज अगर हम बर्न करते हैं वुड को तो वहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, चारकोल। ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे यही क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कहते हैं आप यहाँ पे जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, एक बीकर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, एक कप पानी डालेंगे और फ्यू ड्रॉप्स किसके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे। हीट द वाटर, फिर इस वाटर को क्या करेंगे आप, इस वाटर को हीट करेंगे। जब हम इस वाटर को हीट करते हैं, व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। कहते हैं जब हम इसको बॉयल करते हैं तो इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर क्या डालो, धीरे धीरे से इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालो। कंटिन्यू टू ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्वड। कहते तब तक इसमें ऐड करते जाओ जब तक और कॉपर सल्फेट का पाउडर इसमें डिजॉल्व ना हो पाए, जितना डिजॉल्व हो सकता है उतना ही डालो। ज्यूरिंग दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली स्टर द सोल्यूशन। कहते हैं हम इस प्रोसेस में क्या करोगे, इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहोगे। फिल्टर द सोल्यूशन, कहते हैं फिर जब वो हो जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे, उस सोल्यूशन को फिल्टर कर दोगे। जैसे कि जो छान लेते हैं हम घर में, दूध छानते हैं या कुछ, वैसे इसको छान लोगे। लीव इट फॉर कूलिंग, तो इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, क्या करने के लिए, कूल करने के लिए। लुक इट आफ्टर सम टाइम यू कैन सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कहते थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, थोड़े टाइम के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो वहाँ पर क्या बन जाएंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। कहते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये आगे जाके जो आगे की क्लासेस होती है वहाँ लेबोरेटरी में ये परफॉर्म किया जाता है। तो आप प्रैक्टिकली इसको, ऐसे तो आप अभी प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली आप इसको घर पे, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, कॉपर सल्फेट नहीं होगा, इसलिए जब भी लेबोरेटरी में आप, लेबोरेटरी अवेलेबल है, इस एक्सपेरिमेंट को आप इजीली कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। कहते हैं कि घर में अगर आयरन का गेट है लोहे का, हम उसको पेंट करते हैं, बोलते हैं कि पेंट करने से इस पे जंग नहीं लगेगी, कैसे। इट इज़ नोन दैट फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज एसेंशियल। पेंटिंग प्रिवेंट्स द आयरन गेट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। कहते हैं रस्टिंग के लिए, रस्ट लगने के लिए, जंग लगने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। बट जब हम उसको पेंट करेंगे तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कंटैक्ट में वो आयरन गेट नहीं आएगा, इसलिए उस पर रस्ट नहीं लगेगा। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैन एज डेजर्ट्स। इसका आंसर है, कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, कोस्टल एयर इज हायर दैन इन द एयर इन डेजर्ट, सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज फास्टर। कहते हैं कोस्टल एरियाज में रस्टिंग क्यों जल्दी होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर होता है एज कम्पेयर टू कहाँ, डेजर्ट्स में। आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे एक क्वेश्चन और है, वो हम कल करेंगे। थैंक यू।